फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सरकार ने आज हिट एंड रन मामले में नया कानून आज से लागू किया है, जिसमें सड़क हादसा होने पर वाहन चालक को 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना का सरकार ने कानून लागू किया है। सरकार द्वारा बनाए गए कानून के विरोध में पूरे देश के रोडवेज बस चालकों में आक्रोश है, तो प्रयागराज में भी रोडवेज बस चालकों ने कार्य का बहिष्कार किया है और कानून वापस कराने की मांग को लेकर हड़ताल पर है। वहीं प्राइवेट बस ट्रक के चालकों ने वाहनों का संचालन बंद कर दिया है। हड़ताल के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा और अपने गंतव्य तक जाने के लिए यात्री परेशान हैं। वहीं बस स्टैंड के आसपास चल रहे अवैध टैक्सी स्टैंड वाले भी आज आपदा में अवसर तलाश रहे हैं और दुगना किराया वसूल रहे हैं। ऐसे में अपने घर जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और लोग जहाँ बस के स्टैंड के आसपास टैक्सी स्टैंड पर जा रहे हैं, जिनसे डबल पैसा लिया जा रहा है। जहां सरकार ने हिट एंड रन मामले में अध्यादेश जारी किया था और नए साल पर ये कानून लागू होना था, मगर आज पहले ही दिन से इसका विरोध होना चालू हो गया है। जहां आज पूरे देश में बस की स्ट्राइक करी गई है और प्रयागराज में भी इसका असर देखने को मिला है, जहां आज पूरे प्रयागराज में पूरी बस खड़ी है और ऐसे में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हिट एंड रन के नए कानून के विरोध में बस ड्राइवर हैं और आज बस चलाने से उन्होंने इनकार कर दिया है। ऐसे में यात्री भी परेशान हो रहे हैं। ये बताइए, आप लोग कहाँ से आए हैं, क्या परेशानी हो रही है? मैं तो मुंबई से आ रहा हूँ। मेरा एयरपोर्ट था, मैं प्रयागराज एयरपोर्ट से आ रहा हूँ। अभी मेरा फ्लाइट था तो मैं यहाँ पे आया हूँ। मुझे आजमगढ़ जाना है और मैं यहाँ पे बस का इंतज़ार कर रहा हूँ, बट अभी बस मुझे मिल नहीं रही है। तो अभी आया गया यहाँ पर, अभी मैं अभी तुरंत पहुँच रहा हूँ। मुझे पता चल रहा है कि बस यहाँ पे नहीं, बस नहीं चल रही, बस सर्विस नहीं है और यहाँ पे स्ट्राइक है। तो मैं देखता हूँ अभी क्या क्या बंदोबस्त करना है। यहाँ पे होटल रखना है या फिर कोई प्राइवेट गाड़ी बुक करेंगे। और जैसे यहाँ पर आए, इनको यहाँ पर लोगों से पता चला बस की हड़ताल है और ऐसे में बस यहाँ नहीं चली। आप देख सकते हैं बस स्टैंड पर कि पूरी तरह से बस खड़ी है, चाहे वो एसी बस हो या नॉन एसी, और गाड़ियों पर साफ तौर से लिखा है कि बस आज नहीं जाएगी। ऐसे में यहाँ यात्री अपने घर और अपने गंतव्य में जाने के लिए परेशान हैं, मगर उनको यहाँ से सुविधाएँ नहीं मिल पा रही। हम आपको आगे दिखाते हैं, तो सिविल लाइंस में हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर सिविल लाइंस बस स्टैंड के बाहर से अवैध टैक्सी स्टैंड भी संचालित होते हैं, मगर सबसे बड़ी बात है कि आज जहाँ बस की स्ट्राइक है और ऐसे में लोगों को बसें नहीं मिल रही हैं और जो यहाँ से अवैध टैक्सी स्टैंड भी संचालित होते हैं उनकी मनमाने तरीके से वसूली हो रही है। आज जो टैक्सी 500 लेती थी वो आज 1000 ले रही है और बस पे यहाँ पूरी तरह से सन्नाटा है स्टैंड पर, क्योंकि यहाँ से कोई बसें संचालित नहीं हो रही। नए कानून के विरोध में यहाँ बस के ड्राइवर है और आज स्ट्राइक कर रखी है। अब देखना होगा कि किस तरह से लोगों को राहत मिलती है, क्योंकि काफ़ी परेशानी का सामना उनको करना पड़ रहा है और बसें यहाँ पर नहीं चल रही। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किस तरह से परेशानी है। बताइए, आज आप लोग आए हैं यहाँ पर, क्या परेशानी हो रही है? बसें नहीं मिल रही है सर। कहाँ जाना है हमको? तो फूलपुर ही जाना है, पास में ही है थोड़ा। फूलपुर पास में ही जाना, करीब 50 किलोमीटर, मगर उसके लिए भी यहाँ बस नहीं है और ऐसे में जहाँ पर स्ट्राइक है और लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बीते दिनों प्रयागराज में जहां केपी ट्रस्ट का चुनाव हुआ था और सुशील सिन्हा इसमें विजयी हुए थे चौधरी जितेंद्र नाथ को हराकर, तो वहीं आज इसमें अब सुशील सिन्हा को केपी ट्रस्ट का कार्यभार सौंपा गया है। बता दें, पूर्व अध्यक्ष चौधरी जितेंद्र नाथ की कोठी पर आज ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कायस्थ समाज के लोग और चुनाव अधिकारी मौजूद थे, जहाँ पर उनको पूरी ऑफिशियल लेटर मिलने के बाद आज पूरा कार्यभार सुशील सिन्हा को सौंपा गया है और चौधरी जितेंद्र नाथ ने अपने हाथों से उनको अपनी कोठी पर ये कार्यभार सौंपा है। अब केपी ट्रस्ट के सुशील सिन्हा अध्यक्ष बने हैं और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। सर्वप्रथम तो मेंबरशिप बढ़ाने का जो है मेरा जो मुहिम है उसको जो है प्राथमिकता दूंगा। प्रत्येक कायस्थ परिवार के एक एक सदस्य को इसका जो है मेंबर बनाना। दूसरा, अस्पताल का परिकल्पना है इसको बनाना और एक धर्मशाला। ये तीनों चीज़ें जो है हमारी प्राथमिकता रहेंगी। इसके अलावा जो हमारी ज़मीनें हैं, कायस्थ पाठशाला की ज़मीनें हैं जो जिसके ऊपर अवैध कब्जा हो गया है या अतिक्रमण हो गया है, उसको जो है छुड़ाने के लिए जो कोशिश करेंगे। और
एक सपना लेके निकला हूँ कि कायस्थ पाठशाला को विश्वविद्यालय बनाने का, उसको जरूर पूरा करूँ। वो अस्पताल के लिए डॉक्टर साहब आपने कहा था, उसके लिए आप जो विश्वस्तरीय अस्पताल जो जी एक काफ़ी अति आधुनिक दिव्य और भव्य अस्पताल बनेगा। कायस्थ पाठशाला का अपना अस्पताल होगा और वो अपने न्यासधारियों को 50% की छूट भी देगा और डायग्नोस्टिक सेंटर तो हम कोशिश करेंगे कि 2 महीने के अंदर जो है और उसमें भी जो है अपने न्यासधारियों को 50% की छूट है। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने पत्नी महापौर अभिलाषा और बीजेपी संगठन पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं संग मनाया नववर्ष। मुट्ठीगंज स्थित कार्यालय पर मंत्री नंदी ने पत्नी पूर्व महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता को गुलाब फूल देकर नौ वर्ष की दी शुभकामनाएं। मंत्री नंदी ने संगठन पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को दी नौ वर्ष की शुभकामनाएं। मुट्ठीगंज स्थित कार्यालय में संगठन पदाधिकारियों से की मुलाकात। वहीं मंत्री नंदी और पूर्व महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता के समर्थकों ने पुष्पगुच्छ देकर नौ वर्ष की दी शुभकामनाएं। मंत्री नंदी के कार्यालय पर समर्थक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं की लगी भीड़। मंत्री नंदी बोले, 500 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। ऐसे में मंत्री नंदी ने जहां सबको सुख समृद्धि और बेहतर जीवन की कामना करते हुए शुभकामनाएं दी और लोगों की यहां पर कार्यालय में भीड़ लगी दिखाई दी। संगम नगरी प्रयागराज जहां गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश करने की एक नज़ीर सामने आई है। बता दें, मानवता और इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, ये साबित कर दिया है दिव्यांग नसीमा बेगम ने। बहादुरगंज की रहने वाली ये ऐसी महिला हैं जो बोल और सुन नहीं सकती हैं, फिर भी ज़रूरतमंद को ठंड से बचाने के लिए घर से निकल पड़ी हैं। रोड किनारे बैठकर बेसहारा लोगों को कंबल ओढ़ा रही हैं। नसीमा बेगम को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेरणा स्रोत राज्य स्त्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया था। कड़ाके की सर्दी में रात खुले में गुजारने को मजबूर बेबस लोगों के बीच पहुंचकर ठंड से ठुठुरते लोगों को अपने हाथों से कंबल उड़ाकर थोड़ी सी राहत पहुंचाई है। ठंड से अभी लोग परेशान हैं, असहाय गरीबों को भारी परेशानियों सामना करना पड़ रहा है। इससे में नसीमा बेगम उनको जाकर अब कंबल सड़कों के किनारे बांट रही हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।